सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पे वीवो के काफ़ी सारे स्मार्टफोन में एक नया FOTA अपडेट यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं जिनको यहाँ पे एक नया FOTA अपडेट मिला है। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कौन कौन से स्मार्टफोन हैं जिनको फिलहाल एक नया FOTA अपडेट मिला है और क्या कुछ डिटेल है इस अपडेट की, कितने MB की फाइल साइज है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया गया है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें वीवो के काफी सारे स्मार्टफोन में एक नया FOTA अपडेट मिला है। बात करता हूँ सबसे पहले स्मार्टफोन की, जो कि वीवो का V15 Pro है। तो वीवो के V15 Pro में लगभग एक दिन पहले से ही, मतलब कल से ही यहाँ पे अपडेट रोल आउट स्टार्ट हुआ है, लेकिन काफी सारे लोगों को आज भी अपडेट जो है मिला है। तो बात करता हूँ अपडेट की, तो वीवो का V15 Pro में लगभग 92 MB की फाइल साइज की एक अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और अपडेट की डिटेल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी प्रॉब्लम वगैरह आ रहे थे, उन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फिक्स किया गया है जो कि पिछले अपडेट करने के बाद आए थे। सबसे पहला यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिक्स हुआ है वो आपकी बैटरी को लेकर के है। आपकी जो बैटरी फास्ट ड्रेन यहाँ पे हो रही थी, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जा रही थी, तो उसको यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया गया है। उसके साथ साथ इसके कैमरा में कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ इसकी जो टच स्क्रीन है, जो कि काफ़ी अच्छी वर्क नहीं कर रही थी अपडेट आने के बाद, तो उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अब आपको टच स्क्रीन वगैरह में, कैमरे में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद करता हूँ अगले स्मार्टफोन की, जो कि वीवो का V11 Pro है। दोस्तों, वीवो का V11 Pro में जो अपडेट है वो काफ़ी सारे यूजर्स को बहुत, मतलब धीरे धीरे करके ये अपडेट जो है रोल आउट हो रही है। हो सकता है आपका अगर वीवो का V11 Pro यूज कर रहे हैं तो आपको अपडेट नहीं मिली हो, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपडेट धीरे धीरे करके यहाँ पे वीवो ने कहा है कि धीरे धीरे करके अपडेट जो है सबको रोल आउट हो जाएगी। काफ़ी सारे यूजर्स को आज मिली है, काफ़ी को कल मिली है, काफ़ी को परसों मिल जाएगी, काफ़ी को एक दिन पहले मिल चुकी है। तो अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपडेट जो है यहाँ पे मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि बात करता हूँ इंप्रूवमेंट की, तो यहाँ पे भी ये जितने भी प्रॉब्लम वगैरह हो रहे थे उसको, बग्स वगैरह को फिक्स किया गया है। साथ में आपके कैमरे को इंप्रूव किया गया है, बैटरी लाइफ को ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ में यहाँ पे कुछ नए फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए, जैसे कि डार्क मोड को इम्प्रूव कर दिया गया है। जो आपका डार्क मोड था, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कमेंट करके डार्क मोड ठीक नहीं है, तो डार्क मोड को यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का एक फंक्शन ऐड कर दिया गया है, जो कि आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का एक फंक्शन ऐड कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपके फ़ोन में जितने भी बग्स हो रहे थे, उन सारे बग्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्मार्टफोन जिनको फिलहाल एक नया FOTA अपडेट मिला है, वीवो के हैं। तो ऐसा कसम छोटी जानकारी आपको समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।